हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल हॉट टॉप बायोलॉजी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो ये चैप्टर नंबर है 22, क्लास 11 और टॉपिक नेम है द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से वन क्वेश्चन एवरी ईयर मिलेगा, एवरी ईयर वन क्वेश्चन यहाँ से रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ए बोनी कैविटी कोल्ड सेला ट्यूर्सिका एंड इज अटैच टू द हाइपोथेलमस बाई ए स्टल्क। कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वह लोकेटेड होता है बोनी कैविटी, उसे हम लोग कहते हैं क्या, सेला ट्यूर्सिका। क्वेश्चन आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो लोकेटेड होता है बोनी कैविटी में और उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेला ट्यूर्सिका। दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एंड इज अटैच टू हाइपोथेलमस बाई ए स्टाल्क, और वह पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथेलमस से अटैच होता है किसके द्वारा, तो स्टाल्क के द्वारा। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथेलमस से अटैच होता है स्टाल्क के द्वारा, ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथेलमस, इसलिए अटैच होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इंटू एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। कह रहा है कि इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको आप फिगर देखना देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एडिनो हाइपोफाइसिस देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस इज कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पोर्शन होता है, ठीक है, एक पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पोर्शन होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो इसको याद करने का एक वो ट्रिक भी है जो लिख लीजिएगा, आदिति। आदिति मतलब हो गया ए, एडिनो हाइपोफाइसिस का हो गया ए, आ दी, डी हो गया पार्स डिस्टैलिस डी टी, आदिति मतलब ई, ई जो हो गया इंटरमीडिया, ठीक है। तो आदिति से ये याद होगा, ट्रिक हो गया, क्योंकि कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट में बंटता है, पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। द पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कोल्ड एंटेरियर पिट्यूटरी, ये क्वेश्चन आता है। पार्स डिस्टेलिस जो है उसे हम लोग इंटेरियर कहते हैं, पार्स डिस्टेलिस जो भी है उसे हम इंटेरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिगर दिखा देते हैं, फिगर देखना ज़्यादा जरूरी है। प्लीज़ एनसीईआरटी बुक को सामने खोल कर रखिए, इससे ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए फिगर देखते हैं। देखिए ये हो गया हाइपोथेलमस से ज्वाइंट है, यहाँ पर हाइपोथेलमस से ज्वाइंट है, यहाँ हाइपोथेलमिक न्यूरोन जाके अटैच हुआ है। अब है कि यह पोस्टेरियर एंटेरियर में डिवाइड, ये हो गया हमारा पोस्टेरियर और ये हमारा हो गया एंटेरियर, ठीक है, पोस्टेरियर और एंटेरियर। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा का बात है, तो एंटेरियर में ही होता है पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा, तो यहीं पर होता है पार्स डिस्टेलिस पी डी पार्स डिस्टेलिस, और यहीं पर होता है पार्स नर्वोसा पी एन, ठीक है, पी डी एंड पी एन, पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा, पार्स इंटरमीडिया, सॉरी, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा यहाँ पर होता है, ठीक है, यह पोस्टेरियर का पार्ट है पार्स नर्वोसा, ठीक है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। द पार्स डिस्टेलिस पिट्यूटरी ग्लैंड, उसे हम लोग एंटेरियर कहते हैं, प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। अब कह रहा है कि जो ये एंटेरियर करता है, तो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है,
प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है। ये याद होना चाहिए कि पार्स इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या प्रोड्यूस करता है। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्स डिस्टेलिस है, डी वाला, यहाँ से जो डिवाइड हुआ है पीडी, वह पार्स डिस्टेलिस क्या क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एड्रेनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन, ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 हार्मोन को रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन? पार्स डिस्टेलिस, याद कीजिएगा इसको। उसके बाद आता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कोल्ड मिलेनोसाइट। पार्स इंटरमीडिया जो है, पार्स इंटरमीडिया, वह सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको MSH कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंटीरियर जो है एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट में डिवाइड होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टेलिस जो है उससे 7 हार्मोन रिलीज होते हैं, और पार्स इंटरमीडिया से सिर्फ एक, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हाउ एवर इन ह्यूमन द पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विथ द डिस्टल पार्स डिस्टल। कह रहा है कि जबकि ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया जो है मर्ज कर गया रहता है पार्स डिस्टलिस में, मतलब ह्यूमन में पार्स इंटरमीडिया होता ही नहीं है, वह पार्स डिस्टलिस में मर्ज कर गया रहता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस पढ़ लिए, एडिनो हाइपोफाइसिस पढ़ लिए, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब आते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस में आता है पार्स नर्वोसा, यहाँ पर होता है PN, पार्स नर्वोसा इज नोन एज पोस्टेरियर, यह पोस्टेरियर है। ठीक है, इसे हम लोग पोस्टेरियर भी कहते हैं, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। स्टोर एंड रिलीज टू हार्मोन, यह दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पोस्टेरियर है वह दो तरह का रिलीज करता है हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रोसिन, विच आर एक्चुअली सिंथिसाइज बाय द हाइपोथेलमस एंड ट्रांसपोर्ट एक्जुनली टू द न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसको हम लोग हाइपोथेलमस में ही पढ़े हैं ये लाइन को, कि यह जो है एक्चुअली सिंथिसाइज होता है हाइपोथेलमस में, मतलब पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पार्स नर्वोसा होता है वह जो भी हार्मोन रिलीज करता है वह सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक्जोन के द्वारा न्यूरो हाइपोफाइसिस में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आराम आराम से समझा रहे हैं, इसलिए समझ में आना चाहिए। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एब्रो एबडॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू द गिगैटिज्म एंड लो सिक्रेशन ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन द स्टंटेड ग्रोथ, रिजल्ट हो गया स्टंटेड ग्रोथ इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए कह रहा है कि अगर ज़्यादा सिक्रेशन अगर हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो एक बीमारी हो सकता है जिसको हम लोग गिगैटिज्म कहते हैं। यह क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इसे टिक लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओवर सिक्रेशन अगर होगा ग्रोथ हार्मोन का तो जिसके कारण एक डिजीज हो सकता है जिसे हम लोग गिगेटिज्म कहते हैं। अगर लो सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का, स्टंटेड ग्रोथ, तो उसे हम लोग ड्वार्फिज्म कहते हैं। अगर लो सिक्रेशन होगा तो ड्वार्फिज्म, हाई सिक्रेशन होगा तो गिगेटिज्म, याद रखिएगा। अब आता है प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमरली ग्रैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, ये भी, ये होता क्या, क्वेश्चन देता कैसे है कि प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड, यहाँ देकर छोड़ देता है, फिर दूसरा ऑप्शन में देता है प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है कि प्रोलैक्टिन जो है मिल्क फॉर्मेशन में कैसे मदद कर सकता है, लेकिन करता है, एनसीईआरटी में जब दिया है तो करता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोलैक्टिन जो है मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ में भी मदद करता है और मिल्क के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। टीएसएच
ठीक है, यहाँ कह रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसाइज द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ये आसान है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वह सिंथेसाइज भी होता है और सिक्रेशन भी होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिंथेसाइज भी होता है और सिक्रेशन भी होता है थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, ACTH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन कोल ग्लुकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रेनल कॉर्टेक्स। यह भी एक इम्पॉर्टेंट है, कह रहा है कि ACTH जो है वह स्टिमुलेट और सिंथेसाइज करता है स्टेरॉयड हार्मोन को। यहाँ क्वेश्चन आता है कि ग्लुकोकॉर्टिकॉइड कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, एमिनो एसिड हार्मोन है कि स्टेरॉयड हार्मोन है। तो यह स्टेरॉयड हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड स्टेरॉयड हार्मोन है। और रिलीज कहाँ से होता है, तो एड्रेनल के कॉर्टेक्स से, ये नहीं कि मेडुला से। ग्लूकोकोर्टिकॉइड रिलीज होता है एड्रेनल के कॉर्टेक्स से, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेडुला करके दे देता है ऑप्शन, ठीक है, मेडुला करके दे देता है। अब देखिए, LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल गोनेडोट्रोपिन। कह रहा है कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और स्टिमुलेटिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है गोनेडोल को। गोनाड्स जानते हैं, टेस्टिस को कहते हैं गोनाड्स, टेस्टिस और ओवरी को गोनाड्स कहते हैं। ठीक है, जिसको हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, LH और FSH जा करके गोनेड्स को, गोनेडल को कहता है कि रिलीज करने के लिए, तो वहां पर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, इन मेल LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कोल्ड एंड्रोजन। मेल में LH जो है वह सिंथेसाइज और सिक्रेशन करवाता है एंड्रोजन, तो LH एंड्रोजन याद रखिएगा, कहाँ से, टेस्टिस से। मेल में FSH जो है और एंड्रोजन दोनों मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। LH और FSH दोनों मिल करके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। ठीक है, दोनों मिल करके। फीमेल में LH इंड्यूस करवाता है ओव्यूलेशन, ये सब जानता है कि LH सर्ज के कारण ही ओव्यूलेशन होता है, जब LH पीक पॉइंट पर चला जाता है तब ओव्यूलेशन होता है। और फुल मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, जब भी ओव्यूलेशन होता है तो एक नहीं रिलीज करता, वह रिलीज करता है ग्राफियन फॉलिकल। मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटम, और वह मेंटेन्स करता है कॉर्पस ल्यूटम को। ठीक है, मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटम, किधर चला गया, हाँ, फॉर्म फ्रॉम रिमनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए, कह रहा है कि कॉर्पस ल्यूटम कैसे बनता है, तो ग्राफियन फॉलिकल जब रिलीज होता है तो उसमें से ओवम रिलीज होकर के बाहर चला जाता है, और जो ग्राफियन फॉलिकल के बच जाता है उसी से बनता है कॉर्पस ल्यूटम। और कॉर्पस ल्यूटम को मेंटेन कौन करता है, तो यहाँ पर वही दे रहा है कि LH जो है फीमेल में, LH वह मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटम को। यह NCERT में यहाँ दिया है, इसलिए आपको टिक लगाना पड़ेगा। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकुल इन फीमेल। FSH जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाता है ओवेरियन फॉलिकुल, ओवरी के अंदर जब फॉलिकुल रहता है उसको ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। उसके बाद आता है MSH, एक्ट ऑन द मिलेनोसाइट मिलामिन कंटेंट सेल एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ द, अभी याद किए हैं MSH, MSH जो था पोस्टेरिया पिट्यूटरी ग्लैंड था, जो डायरेक्टली हाइपोथेलमस से रिलीज होता है, वही MSH है जो मिलेनोसाइट है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मिलामिन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, हमारे कलर को, के कलर को यह बताता है। जैसे कोई ब्लैक है तो उसमें हाई मिलामिन होता है, बहुत ज़्यादा मिलामिन होने के कारण ब्लैक हो जाता है, और कोई वाइट है तो उसमें मिलामिन कम रहता है जिसके कारण वाइट हो जाता है, जो दोनों है उसमें मिलामिन इक्वल रहता है, इस तरह से होता है। चलिए अब पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ क्वेश्चन पूछता है ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पर काम करता है
कि वॉल्यूमेंट्री मसल्स की इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स पर। ऑक्सीटोसिन हमेशा स्मूथ मसल पर ही काम करता है जिसके कारण वह कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इन फीमेल स्टिमुलेट द विगरस कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय फीमेल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। मिल्क इजेक्शन के समय भी वह काम करता है मेमरी ग्लैंड में। वैसोप्रेसिन एक्ट मेनली एट द किडनी। वैसोप्रेसिन ज़्यादातर वह किडनी पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है कहाँ पर, रेनल से, किडनी से। किडनी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल होता है, वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द डिस्टल ट्यूबल से, ठीक है, दे दिया है। एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, ताकि वाटर का लॉस कम हो यूरिन में, यूरिन के द्वारा ज़्यादा लॉस ना हो उसे। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द यूरिन इज नोन एज ड्यूरेसिस, सॉरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ADH, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।